हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का NCERT की बुक में गिवन एग्जांपल नंबर 4.9 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी कमेंट कर सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है NCERT की बुक में गिवन एग्जांपल 4.9। क्या है उसका स्टेटमेंट? अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकंड इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। हमारे पास क्या है, ये सपोज करो ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब हमने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल को थ्रो किया। कैसे थ्रो किया? कि ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इससे कितना एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने उसको थ्रो किया। और उसकी इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, कितनी गिवन है, V0 की वैल्यू 28 मीटर गिवन है। तो इस टाइप से हमने थ्रो किया, तो कुछ इस टाइप से मोशन करते हुए कुछ समय के बाद वापस जो अर्थ है उस पर आकर गिर जाएगी। तो हमें क्या बताना है, द मैक्सिमम हाइट। हमें क्या बताना है, मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्सिमम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद हमें क्या बताना है, द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न द सेम लेवल, कि इस पॉइंट से जान कर यहाँ तक वापस आने में उस बॉल को कितना टाइम लगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट TF हमें बताना है। और क्या बताना है हमें, उसे यहाँ से यहाँ तक इस पूरे टाइम को क्या बोलते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है कि ये क्या है, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो हमें कैलकुलेट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, द डिस्टेंस। अगर आपने प्रोजेक्टाइल मोशन की हमारी वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन अपना वाला अजीज बोहरा, उसके दो वीडियो हमने बनाई है अलग अलग पार्ट में, वो देख लीजिए। उसमें हमने सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। थर्ड चीज़ हमें क्या बतानी है, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोवर टू द पॉइंट वेयर द बॉल रिटर्न टू द सेम लेवल, कि जहाँ से इस थ्रोवर ने यहाँ से इस बॉल को फेंका और यहाँ पर बॉल आकर वापस गिरी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हमें बतानी है। और इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेंज, मतलब हमें कैलकुलेट करनी है रेंज। तो मैक्सिमम हाइट मतलब ये बताना है हमें। फिर हमें क्या बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे कितना टाइम लगा। और क्या बतानी है, उसकी रेंज। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है V0 की वैल्यू, इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है, 28 मीटर पर सेकंड। और क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है थीटा जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला है V0 साइन θ0 होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारा एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 साइन θ0 होल स्क्वायर अपॉन 2g, वेयर g इज 9.8। तो इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं V0। अब इसका स्क्वायर है तो V0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 28। तो हम यहाँ लिख देंगे 28 × 28। फिर उसके बाद यह एक काम करते हैं, चलो ठीक है, V0 है हमारे पास 28 × साइन θ0 की वैल्यू कितनी है, 30। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 30, और उसका क्या लगा दिया मैंने, होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, 2 × g। जे की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 9.8। तो यहाँ मैंने लिख दिया 9.8। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28 × 1/2 होल स्क्वायर। तो इस 2 से ये 28 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास क्या है, 2 × 9.8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, 14। और 14 का क्या है, स्क्वायर। तो मतलब 14 × 14 अपॉन 2 × 9.8। तो इस 2 से 14 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम में। 7 में अगर 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 98 अपॉन 9.8। 98 में अगर 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। ये 10 क्या है, मैक्सिमम हाइट किस में रहेगी, मीटर में। तो यहाँ मैंने लिख दिया मीटर। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर। मैक्सिमम हाइट निकाल ली। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, मतलब TF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो TF की वैल्यू का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है हमारे पास 2V0 साइन θ0 अपॉन जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, 2V0 साइन θ0 अपॉन जी। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो 2 तो एज इट इज़ V0, V0 की वैल्यू कितनी है, 28। तो यहाँ मैंने लिख दिया 28 × साइन θ0 क्या है,
थीटा जीरो है 30 डिग्री, तो साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1 बाई टू, तो यहाँ लिख दिया 1 बाई टू अपॉन जे कितना है 9.8, इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसल, 28 में अब हम क्या करेंगे 9.8 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देते हैं ठीक है, कुछ बचा तो नहीं हमारा, हाँ ये 2 था ये 2 ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया 2 × 28 / 9.8, तो ठीक है ये इस वैल्यू को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.9 सेकंड अप्रॉक्सीमेट ठीक है। क्या किया हम, जब 28 में 9.8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2.9 सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब लास्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला है हमारा वी स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन जी, रेंज का फॉर्मूला क्या है वी जीरो स्क्वायर साइन 2θ0 अपॉन जी, तो इन सभी की फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं v0 की वैल्यू कितनी है 28 और उसका स्क्वायर है इसलिए हम क्या लिखेंगे 28 × 28 साइन थीटा जीरो, साइन टू थीटा जीरो, तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 में, तो कितना हो जाएगा साइन 60 अपॉन जी, जी की वैल्यू कितनी है 9.8। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो यहाँ वैल्यू लिख देते हैं 28 × 28 √3/2 और होल अपॉन में हम क्या लिखेंगे 9.8 ठीक है। अब इस 2 से ये 28 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में 14 टाइम में, उसके बाद हम क्या करेंगे और सॉल्व कर लेते हैं आगे, तो आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या है आर इज इक्वल टू ये जो 14 है उसको हमने रखा एज इट इज़ 14 × ये क्या है हमारे पास 28 उसे हमने रखा एज इट इज़ √3 जो है वो है एज इट इज़ इंटू अपॉन में क्या है हमारे पास 9.8 तो इस 9.8 को हमने रखा एज इट इज़, यहाँ से पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा 10, यहाँ से पॉइंट हटाया पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 तो ऊपर क्या बन जाएगा 10। अब इस 98 को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, इसको हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 से कितने टाइम्स में डिवाइड होगा 7 × 1 = 7 रिमाइंडर बच्चा कितना 2, तो 9 में से 7 गए तो कितना बच्चा 2, वो 2 कहाँ आ जाएगा इस 8 के आगे, तो कितना बन जाएगा 28 कितने टाइम्स में आएगा 4 बार में, तो ये लिख दिया हमने 4, तो 98 7 की टेबल्स में कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 14 टाइम्स में, और ये 28 कितने टाइम्स में कैंसिल होगा 4 टाइम में, फिर इस 14 से इस 14 को हम क्या कर देंगे कैंसिल, तो हमारे पास r इज इक्वल टू कितना आ गया इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, क्या किया हमने इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 40 और √3 की वैल्यू कितनी होती है √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो 40 को 1.732 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 69 point something आएगा, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू 69 लिख देंगे, तो रेंज वे किसमें रहेगी मीटर में, तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास 69 मीटर। तो देखो हमसे क्या क्या पूछा था, हमें इनिशियल स्पीड गिवन थी कितनी थी 28 मीटर और थीटा जीरो की वैल्यू गिवन थी 30, हमें मैक्सिमम हाइट मतलब एच मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना था और रेंज निकालना था, तो हमने सभी के फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए। एच मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या है v0 sin θ0/2g² तो v0 की वैल्यू पुट की sin θ0 की वैल्यू कितनी है 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 से 28 कैंसिल हो गया कितने टाइम में 14 टाइम में, उसका होल स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा 14 × 14 और अपॉन में किया है 2 × 9, तो इस 2 से 14 7 टाइम्स में कैंसिल हुआ 7 में, फिर हमने 14 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 98 / 9.8, 98 में 9.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 10 मीटर। फिर हमने क्या निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2 v0 sin θ0/g, हमने क्या किया v0 की वैल्यू पुट की sin θ0 की वैल्यू कितनी 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट की 2 से 2 कैंसिल 28 में 9.8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.9 सेकंड। फिर उसके बाद हमने रेंज निकाली, रेंज का फॉर्मूला क्या है v0 square sin θ sin 2θ 0/g, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 में इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इस 2 से 28 कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम में, और बाकी तो एज इट इज़ रखा, फिर यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये कितना बन गया 10, फिर इस 14 हमने क्या किया 7 से इस 98 को कैंसिल किया कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ 14 टाइम में, और 28 कितने टाइम्स में कैंसिल हुआ 7 की टेबल से 4 टाइम में, तो यहाँ इस 14 से फिर इस 14 को हमने कैंसिल कर दिया, फिर इस 4 में इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो आया 40
और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732। 40 में 1.732 से मल्टीप्लाई किया तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 69 मीटर। तो हमने रेंज निकाल ली, हमने मैक्सिमम हाइट निकाल ली और हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया और यही हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था, तो हमारा आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।